चुनावी बयार है, हर नेता दमदार है, लेकिन वोटर समझदार है, और समझदार वोटर इस चुनाव को लेकर क्या कह रहा है, आज हम पूर्वांचल के सफर पर चलेंगे और पूर्वांचल का आजमगढ़ जिला क्या कह रहा है, इस जिले के वोटर क्या कह रहे हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जो वोटर बाबू हैं उनका मिजाज क्या है। लेकिन उससे पहले जो इस बस स्टॉप पे लोग हैं, क्या हालचाल? बढ़िया है। बढ़िया है जी, चुनाव भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार, विकास है जमीन पर? विकास दिख रहा है। युवा किस मुद्दे पर वोट करेंगे? पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो गई आजकल। और क्या अच्छी हो गई है पढ़ाई। गिरीश चलते रहिए, आइए बंधु आपके साथ थोड़ा सा इस पूरे बस स्टॉप को देख भी लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको बस का इंतजार करते मिल जाएंगे। तो सब व्यवस्था ठीक ठाक हुई है पूर्वांचल में? हाँ, व्यवस्था ठीक ठाक है। बाकी इधर जो हमने हमारी तरफ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कौसाम्बी जिला है मेरा, उधर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। भले तीनों सीट सपा ने ले गया है, बाकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो युवा इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगा? मैं पढ़ाई के स्तर में, क्योंकि इस वक्त नौकरी मिलना तो बहुत कठिन हो गया है। अगर पढ़ाई अगर जब अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आजकल या बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे या नौकरी करना छोड़ देंगे। तो तैयारी है पूरी? क्यों भाई साहब, ठीक है, वोट देने की तैयारी है ना? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बेरोजगारी पे। बेरोजगारी है या उम्मीद है दूर करेगा कोई? दूर तो होना ही चाहिए। देखिए भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं और मोबाइल में कुछ तलाश भी रहे हैं। क्या हालचाल भाई? बढ़िया है भैया। वोट देने की तैयारी है ना? वोट देने की तैयारी तो है। तो क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? पढ़ाई पे, और क्या नाम है कि हमको तो नौकरी चाहिए बस, और अच्छा खासा मतलब कि हर चीज़ का कारोबार बढ़िया चाहिए। मुद्दा ही युवाओं का मुद्दा है, महिलाएं भी हैं। तो क्या चाचे, वोट देने जाएंगे ना? किस मुद्दे पर, महिलाओं को लेकर क्या काम हुआ है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा, तो चिकित्सा को लेकर कुछ काम दिखाई दे रहा है? सब ठीक ठाक व्यवस्था है? तो महिलाएं थोड़ी सी शांत है क्या भाई साहब, बड़ा निगाह बनाए पड़े हैं। आप भी बोलेंगे ना? क्यों नहीं, खड़े हो जाइए जरा सा, गिरीश है कैमरे पे। अरे चलो ठीक है। तो क्या लग रहा है किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अरे वोट किया जी भैया, वोट किया जाएगा, दिया जाएगा ना, दिया जाएगा। मुद्दा क्या है? विकास है जमीन पर, विकास है। अरे विकास तो है ये। किस तरह का विकास है? अरे कौन विकास बता भैया, सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है सब। है वो तो है। अब जैसे गलत बोल दिया जाए तो यहीं से लग जाएंगे। ये भी तो है, डर है। डर तो है ही है भाई। यूपी का युवा डरता भी है? बेशक डरता है। क्यों भाई? भाई जब सत्ता सरकार उनकी तो कुछ भी कर सकते हो, हमारी उनमें गिनी कहाँ जाएगी। तो भाई मुद्दे तमाम हैं और उन मुद्दों को देखते हुए कुछ यहाँ पर रोडवेज के स्टाफ भी हैं। क्या कंडक्टर बाबू, सब ठीक ठाक? वोट देने जाएंगे ना? एकदम तैयारी है, एकदम पूरी। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, बेरोजगारी। और क्या? बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मुद्दा, हम लोग जो तो रोजगार है, देखिए सरकार अच्छा ही काम कर रही है, थोड़ा इधर नौकरी के बारे में भी सोचिए लोग। तो रोजगार का मुद्दा है और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं व्यवसाय करते हैं। और क्या चाचा भैया, तैयारी है ना काहे की वोट देने की? हाँ, क्या लग रहा है किस मुद्दे पर वोट देंगे आप इस बार? अब जो मुद्दे पर वोट दुनिया जान रही वही मुद्दे पर वोट हम भी देंगे। दुनिया क्या जान रही है आप बता दीजिए। विकास है जमीन पर? है? विकास है जमीन? हाँ, जमीन पर विकास है। रोजगार है? रोजगार कहाँ उतना हो, विकास जरूर दिखाई पड़ रहा। क्या दिखाई पड़ रहा? तो गिरीश अब इस बस पे चलेंगे और इस बस में सवार जो यात्री हैं उनसे जानेंगे कि आखिर जो चुनाव का मुद्दा है वो क्या है। तो बस आगे बढ़ने वाली है और आप देखिए इस बस में हम सवार होकर आजमगढ़ के सफ़र पर चलेंगे। आजमगढ़ की ओर ये बस आगे बढ़ गई है और
जो जनता है वो इस बस में सवार है। आजमगढ़ की जो लड़ाई है और जो वोटर जन है, जो वोटर बाबू है, वो क्या कह रहे हैं हम लोगों से जानेंगे कि आखिर इस चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। तो आजमगढ़ चल रहे हैं, आजमगढ़ विकास है, जमीन पर, जमीन पर विकास है आजमगढ़ में, पहले बहुत अमल था। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर वोट देंगे आप लोग? विकास मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर जरूरी काम। टाइमिंग कंडक्टर बाबू, टाइमिंग बड़ी जरूरी है, बताइए आप भी वोट देंगे ना? बिल्कुल देंगे सर। मुद्दा क्या होगा? होगा अच्छा होगा सर, जो जमीन पर विकास है क्या? सर विकास बहुत है और मेरा कई ठोक केस चल रहा है न्यायालय में, बहुत सुस्त है, कोई फाइनल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो जमीन पर, जमीन पर विकास है, जमीन पर विकास है बहुत है। तो गिरीश देखे भाई, अरे भाई जगह जगह मिल जाए और हम लोग भी दिखाते हैं आखिर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। गिरीश धीमे धीमे आइएगा क्योंकि ये जो आजमगढ़ वाली बस है हिचकोले खा रही है। और ठीक ठाक जी सर, एकदम बढ़िया, चकाचक जी एकदम। आजमगढ़ जाता हुआ जी, जी घर अब मेरा आजमगढ़ घर है जी जी। हाँ तो भोजपुरी में बोला, अब का दिक्कत था? कौन दिक्कत ना भाई, कौन दिक्कत ना है ना, कुल ठीक ठाक चला था जी एकदम बढ़िया। जमीन पर तो बड़ा घमासान है, लड़ाई केकरे केकरे बीच है? देखिए सपा को तो आजमगढ़ का गढ़ माना जाता है एक तरह से। अच्छा, लेकिन है चुनाव टक्कर वाली है। टक्कर है जी एकदम भरपूर। किसके किसके बीच? दिनेश लाल यादव, धर्मेंद्र यादव है टक्कर बस। लेकिन जनता क्या सोच रहे हैं वोटर बाबू, आप लोग क्या सोच रहे हैं टक्कर किस मुद्दे पर और जनता किस मुद्दे पर वोट देगी? जनता विकास, आजमगढ़ को जो आगे लेकर जाएगा उसको जनता चुनेगी। जातिगत जो मुद्दा था पहले, लेकिन अब उससे ऊपर आदमी हटकर वोट कर रहे हैं कि हमारे आजमगढ़ का और ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले चलें, अच्छा विकास हो। और जो जनता है गिरीश बाबू वो अपनी अपनी बात बता रही है, कुछ लोग हैं तो भैया ठीक है एकदम ठीक है। ये सरकार इसको बता दीजिए जरा ठीक ठाक है? एक नंबर की सरकार है, रात दिन दोपहरिया चाहे जब चलिए, कभी रिस्क नहीं है। ये सरकार एक नंबर की सरकार, कानून व्यवस्था की बात एकदम चकाचक, रिस्क से आजाद हो गए, आजाद हो गए। पहले क्या था? पहले लोग चलते थे तो छिनैती होता था, तमाम तरह की बातें जो है आता था, अब तो कुछ नहीं, एकदम सब कुछ सही है, अब ठीक ठाक, एकदम चकाचक है सब, चकाचक है भैया सब, चकाचक है। और युवा पीछे बैठे हैं, कहो ठीक है। आजमगढ़ जा रहे हो? नहीं मऊ जा रहे हैं। मऊ जा रहे हैं, एकदम पूर्वांचल। हाँ तो क्या है जमीन पर स्थिति, क्या है ठीक ठाक है? ठीक ही है, ठीक ही है, मुकाबला है ठीक ठाक? मुकाबला क्या, अखिलेश यादव जीत रहे हैं वहाँ से, मुकाबला वहाँ पूर्वांचल में बीजेपी ना एकदम नाकार रही, हार जाएगी बीजेपी पूरे पूर्वांचल से। आप पूरे कहे हो, क्या हो गया? पूर्वांचल से हार जाएगी, हो पूरे पूर्वांचल से नहीं जीतेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर मिल जाए तो मिल पूरा एकदम। अरे भैया भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, कुछ नहीं आएगा। तो गिरीश पूर्वांचल है और कहा जाता है कि जब आवाज़ बुलंद होती है तो पूर्वांचल से होती है, बताइए बंधु ठीक ठाक चल रहा है? सब ठीक। किस मुद्दे पर पूर्वांचल का युवा और आजमगढ़ का खासतौर पर बात करें? बेरोजगारी। बेरोजगारी, रोजगार नहीं है? नहीं, आजमगढ़ में रोजगार नहीं, नहीं, सारा पेपर लीक हो जाता है। देखिए आपको बता दें कि पूर्वांचल वो इलाका है जहां पर रोजगार एक बड़ी दिक्कत होती है, वहां का युवा रोजगार की तलाश में पढ़ता है, मेहनत करता है, तैयारी भी करता है और ये युवा उसी बात को कहते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं, महिलाएं हैं और इसके साथ ही जो आम जनता है। वोट आप लोग देने जाते हैं तो इस बार खासतौर पे आजमगढ़ की अगर बात कर लें तो जनता किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी? सर इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते, हम बदलाव हुआ है जमीन पर? हुआ है काम थोड़ा, डर जैसा भी है हुआ है, सही हुआ है, सही है, सही। महिलाओं के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? सुरक्षा है? हाँ सब सही है, सब ठीक ठाक। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें तो जल योजना जो कहते हैं वो पहुंची, इसके अलावा अगर बात कर लें तो सड़क बिजली पानी सब ठीक ठाक? ठीक है सर। अस्पतालों में सुविधा है? सब बढ़िया, सब सुविधा है, सुविधा है, हाँ सुविधा है। भैया गिरीश ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालों में सुविधा है
और बदलाव भी है और सब ठीक है। ठीक है सर, बताएं। तैयारी में निकले? हाँ तैयारी तो है, चुनाव की तैयारी है, जल्दी चुनाव होने वाले हैं हमारे यहाँ पे। हाँ तैयारी है ना। हाँ तो मुद्दा क्या होगा इसका? मुद्दा विकास है और क्या। विकास है? विकास हुआ है या विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं, विकास हुआ तो नहीं है हमारे यहाँ। वही पुरानी चीज़ें सब हैं, उसी को ही चलाया जा रहा है। हाँ जरा नेता जी लोगों को कुछ कहना है तो कह दीजिए इसी लाइनों से कि भाई विकास कर दें। नेताजी लोग से क्या उम्मीद लगाएं, वो जनता खुद ही तय कर लेगी कि हाँ किसे चुनना है किसे छोड़ना है। देखिए भैया, हाँ कुछ बोलेंगे? वोट देंगे तो, पर एक गुजारिश है, बत्ती जो इसका बिल नहीं है ये माफ़ करें, बिजली बिल माफ़ करना चाहिए। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ बताएं। ठीक है सर, सब ठीक है, लेकिन विकास चाहिए चाहिए भैया। उस तरीके की बदलाव नहीं हुए जितना होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, इतने सारे वादे किए गए थे लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, जमीन पर कुछ नहीं विकास हो रहा है, बस वो बोलने वाली बात है। बोलने वाली बात है, बोले ना जमीन पे करें। यस। अरे भैया यस नो को छोड़ के कुछ बोलोगे? कुछ जमीन पर है? जमीन पर तो बहुत कुछ है। क्या क्या है आप भी देख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। बदलाव तो वही सब है, लोगों को बस लड़ाया जा रहा है जातिवाद में, और कुछ भी नहीं है। हाँ। हाँ। तो इस बार युवा जातिवाद से ऊपर उठकर वोट करेगा? यस, राइट, अपना राइट देखेगा ना एकदम। एजुकेशन चाहिए उसे, एजुकेशन मांगेगा, राइट चाहिए उसको अपना। तो कंडक्टर बाबू जी सर, आप भी युवा है जी सर, और ये युवा कह रहे हैं एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल शिक्षा चाहिए ना, बिल्कुल। एजुकेशन है कि नहीं है व्यवस्था? ठीक है, शैक्षिक व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन रोजगार नहीं है। शिक्षा तो है, शिक्षा पढ़ने वाले जो इच्छुक पढ़ रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, आप टिकट काटे जा रहे हैं धड़ाधड़। सर नौकरी कर रहा है। गिरीश की ओर देख लीजिए भाई। सर मैं नौकरी पर हूँ, ड्यूटी पर, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, हो सकता है कोई दिक्कत हो सकती है। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, आप वोटर बाबू भी हैं, आपका अधिकार है, आप वोट देंगे तो बताएंगे ना किस मुद्दे पर देंगे। डरिए नहीं, मुद्दा सर हम संविदा पर नौकरी कर रहे हैं और इसमें रोडवेज में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है संविदा कंडक्टर जो हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं है, बहुत प्रताड़ित है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, और बगल में जो लोग हैं क्या भाई साहब बड़ा खुश हो रहे थे कंडक्टर बाबू। ठीक। अरे कंडक्टर बाबू इन लोगों को भी जरा दिखाइए, गिरीश जरा दिखाइए भाई, कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़। तो आजमगढ़ में जमीन पर क्या है भैया? ठीक है, ठीक ठाक है, कुछ विकास है? ठीक है, विकास है। हाँ। अगर बात करें तो उपचुनाव के बाद दिनेश लाल निरहुआ कुछ बदलाव लाए थे? नहीं कुछ नहीं बदला, क्या बदला, कुछ नहीं, कुछ नहीं किए। तो जमीन पर क्या माहौल, इस बार वोटर किस मुद्दे पर वोट करेगा? अखिलेश किसको करेंगे ये ना बताइए, मुद्दे सिर्फ बताइए साहब। हम ये नहीं जानेंगे कि आप किसको देंगे, बस ये जानेंगे किस मुद्दे पर देंगे। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। बिजली लाइट बिल बहुत ज्यादा आ रही है, 1200-1400 महीना आ रहा है, 1500 महीना आ रहा है बिजली का बिल। और क्या विकास है? ये भैया यूज करेंगे तो पैसा तो देना। कितना यूज करते हैं? हल्का यूज है तो भी उतना ही आता है, 1200-1500 आता है, 1200 कम चीज नहीं, 2000-1800 आ जाता है। मतलब असीमित आता है, जितना मन करता है उतने। हाँ। व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या, उसके बिजली व्यवस्था होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र पर क्या स्थिति, आजमगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है जैसे मुबारकपुर और अगल बगल की बात कर लें, सब ठीक ठाक? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक। क्या भैया इधर इधर देख लो, ठीक है ना? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हमारा वोट नहीं हुआ। वोट ही नहीं? अरे भैया कहाँ सोए थे? बड़ा सब सर्वे हुआ, सब सो रहे थे क्या? नहीं, बनवाए नहीं क्या? नहीं बनाया अभी। अच्छा चलो ठीक है, जागरूक करोगे लोगों को? हाँ जरूर करेंगे। तो किस मुद्दे पर कहोगे कि जाके वोट? अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं बता सकते भैया। गिरीश यहाँ तो मुद्दा ही नहीं है। और अच्छा चलो ये बता दो, चुनाव लड़ने का मन था कि नहीं? नहीं, लड़ने का भी मन नहीं था। नेता बढ़िया लगता है कि नहीं? नेता को देखे ही नहीं, कोई नेता ही नहीं दिखे?
भैया इतना बड़ा चुनाव, कई चुनाव निपट गया, जय लोग नेता नहीं दिखते हैं क्या आपके? कहीं नहीं दिखते हैं, ये बताएंगे नेता के बारे में, ये भी बता देंगे। तो नेता नहीं दिखते? नहीं नहीं। अच्छा, तो सड़क बिजली पानी कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव तो बहुत हुआ है, व्यवस्था सही है, सब ठीक है। हाँ। भैया सब ठीक ठाक है। और ये देखो पीछे युवाओं का दल है, और गिरीश हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं। कंडक्टर बाबू थोड़ी जगह देंगे तो हम इन लोगों के पास पहुंच जाएंगे और इन लोगों